आचार्य चाणक्य ने अपने महान अध्ययनों के द्वारा हमें कई बातें सिखाई हैं। व्यक्ति के स्वभाव और उसकी सोच को परखकर उन्होंने हमें मनुष्य की उस गहरी सोच तक पहुंचाया है जिसे आपका दिमाग कभी समझ नहीं सकता। इसके अलावा जीवन में कैसे सफल बने इसके सूत्र भी चाणक्य नीति में मौजूद है। यदि चाणक्य एक साधारण से दिखने वाले चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते हैं, तो क्या उनकी बताई बातों से हम एक सफल व्यापार नहीं खड़ा कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम आपको चाणक्य द्वारा बताई गई वे नीतियां बताने जा रहे हैं जिनका यदि आप अपने जीवन पर अमल कर लें तो आप भी एक सफल व्यापार खड़ा कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई भी नया बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों की पुष्टि कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हें परखे बिना आगे बढ़ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। सबसे पहली बात जो आचार्य चाणक्य ने बताई है वह है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमारी सोच स्थिर और सकारात्मक होनी चाहिए। नेगेटिव सोच के साथ इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। किसी भी काम को शुरू करने से पहले इन बातों की पुष्टि अवश्य कर लें। किस समय और किस जगह पर काम शुरू होना चाहिए। तीसरी बात, आपके साथ इस काम में आपका भागीदार कौन है, कौन आपकी मदद कर सकता है, यह भी जरूर जान लें। जिस काम को आप शुरू करने जा रहे हैं, क्या आप वाकई उस काम के लिए अनुकूल व्यक्ति हैं? क्योंकि यदि आप उसे सही से नहीं कर सकते तो आप दूसरा विकल्प भी खोज सकते हैं और इसी में ही आपको सफलता प्राप्त होगी। जब आप कोई नया काम शुरू करने लगते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोगों से आपकी काम के सिलसिले में मुलाकात होती है, इसलिए काम करने से ठीक पहले दिमाग में इस बात को जरूर बिठा लें कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। चाणक्य के अनुसार तीखा और कड़वा बोलने वाले घाटे का सौदा कर बैठते हैं। नया काम शुरू करते समय हर कोई जोश में होता है। नए काम में मेहनत भी काफी लगती है, शरीर के साथ साथ मानसिक क्षमता भी काफी लगती है। ऐसे में सेहत का बिगड़ना संभव होता है। चाणक्य के अनुसार काम करते समय अगर सेहत का ख्याल रखेंगे तो नुकसान से बचे रहेंगे। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ज्योतिषीय सलाह ले लें। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति की कुंडली के अनुसार यह बता सकता है कि किया जा रहा नया कार्य सफल होगा भी या नहीं। यदि आप शादीशुदा हैं, तो नया काम शुरू करने से पहले अपने जीवन साथी की सलाह जरूर लें। यदि आपको लगे कि आपका साथी संबंधित कार्य के प्रति जानकारी नहीं रखता है तो कम से कम उन्हें इस कार्य की सूचना अवश्य दे दें। अगली जो चाणक्य नीति है उसे आप उम्र भर के लिए अपने दिमाग में बिठा लें। चाणक्य का कहना है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने लगे तो इसकी सूचना किसी बाहर वाले को कभी ना दें।
यह राज अपने दिल में ही रखें। सफलता अपने आप लोगों को सब कुछ बयां कर देती है, और यदि आप असफल हुए तो कम से कम यह राज आप तक ही सीमित रहेगा। यहाँ बात केवल सफल या असफल होने तक ही नहीं है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि व्यापार संबंधी राज जब लोगों को बता दिए जाते हैं तो आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग इसे खुद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में आप पीछे रह जाते हैं और आपके दुश्मन आगे बढ़ जाते हैं। चाणक्य का मानना है कि यदि आप व्यापार को सफल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ कड़े और अनिश्चित फैसले भी लेने पड़ेंगे। जब तक आप जोखिम नहीं लेंगे तब तक सफलता आपसे दूर ही रहेगी। जिस स्थान पर आप बैठकर कार्य करें उसे भी अपने अनुसार ढाल लें। वहां शुद्ध हवा मिले, बैठने के लिए कुर्सी टेबल आरामदायक हो, आपको कोई मानसिक तनाव ना हो, इस बात का जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।